हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं हिमांश पांडे, कैसे आप लोग, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल आनंददार टेक्नो में। मित्रों, चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, ताकि सभी लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलती रहें। चलिए मित्रों, बात कर लेते हैं मेन मुद्दे की कि आपने यूट्यूब पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे कहीं भी इस तरह का लोगो लगा हुआ देखा होगा। शायद बहुत सारे प्रोफाइल पिक्चर होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे इस तरह के आप लोगो लगे हुए देखे होंगे और कुछ डिजाइनर लोगो लगा सकते हैं। तो कैसे लगा सकते हैं, हम आज पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। मित्रों, सबसे पहले चलना है प्ले स्टोर पर हमें टाइप करना है मित्रों लोगो मेकर। ये लोगो मेकर जो आता है मित्रों, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाला दूसरे नंबर पे जो है लोगो मेकर 2020 3D, ये वाला एप्लीकेशन आप देख लीजिए। इसका इंटरफेस 4.6 रेटिंग है इसका, और करीब 5 मिलियन के प्लस जो है इसका डाउनलोड्स है। तो बढ़िया एप्लीकेशन है, इसे हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। हमने इंस्टॉल किया हुआ है पहले से ही, तो हमें क्या करना है, सिंपली इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में मित्र, मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर आल पर अगर क्लिक करेंगे तो आल पर आल टाइप के आएंगे। चलिए हम आल पर क्लिक कर लेते हैं। आल पर हमने क्लिक किया, और आल पर क्लिक करने के बाद में यहाँ से इस तरह के डिज़ाइन आ जाते हैं। आप देख लिए, जितने भी आप डिज़ाइन चूज़ करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। और जो ये प्रो करके लिखा हुआ है मित्रों, ये इस पर कॉपीराइट आ सकता है, या फिर ये इसे बाय करना पड़ेगा। तो आप इस तरह की जो प्रो लिखा हुआ है उसको नहीं लीजिएगा, ठीक है। आप फ्री में अगर बनाना चाहते हैं आप ये ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे म्यूज़िक वाला है आप फ्री में है, यहाँ पे फूड वाला है, ठीक है। इस तरह के कोई भी डिज़ाइन आप चूज़ कर सकते हैं जो यहाँ पे जिस पे प्रो नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरह से आप कोई भी डिज़ाइन यहाँ से उठा सकते हैं। तो ये तो आल है, मतलब सब टाइप की दिखा रहा है, सभी कैटेगरी की दिखा रहा है। अगर हमें कैटेगरी चूज़ करना है तो हम बैक जाते हैं एक बार और यहाँ से बाहर आते हैं। यहाँ पर बिजनेस, म्यूज़िक, अल्फ़ाबेट्स, कॉमन, और ऑटोमोबाइल, ट्रैवल, फोटोग्राफी और बहुत तरह के यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम कोई भी एक उठाना चाहते हैं, चलिए हम आल से ही ले लेते हैं, ठीक है। तो हम आल में ही क्लिक करके कोई एक ले लेते हैं जिस पे प्रो नहीं लिखा हुआ। मान लीजिए मैंने यहाँ से इसको ले लिया, ठीक है। अब आप देख रहे हैं इस पे एक कंपनी नेम लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे, नीचे लेफ्ट में आप देखेंगे तो यहाँ एडिट पेन लिखा हुआ है, पेन बना हुआ है, एडिट लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपको कंपनी नेम पे क्लिक करना है और इसे कट कर लेना है। यहाँ पे आप अपना खुद का नाम लिख सकते हैं, तो मैं जैसे लिख देता हूँ मेरा नाम, ठीक है, आनंद आर टेक्नो, जैसा कि मैंने पहले से भी बनाया हुआ है और मैंने आपको दिखाया वीडियो के शुरू में ही। तो यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ पर चेंज लिखा हुआ है नीचे, चेंज पर क्लिक करना है। तो ये चेंज हो गया, मतलब मेरा नाम आ गया। दूसरे नंबर पर नीचे में आप देख रहे हैं लेफ्ट में कलर है, तो इस करेक्टर को हम कलर कर सकते हैं यहाँ से। मान लीजिए मैंने रेड ही कर दिया, ठीक है। और तीसरे नंबर पे साइज़ लिखा हुआ है करेक्टर का, तो साइज़ का करेक्टर को साइज़ को दे सकते हैं यहाँ से। चौथे नंबर पर आपको स्टाइल आ रहा है, यानी कि करेक्टर का स्टाइल। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा मित्रों, कि आप देखेंगे ये जो करेक्टर नीचे लिखे हुए हैं, आपने देखा होगा स्टार मेकर पे और बहुत जगह पे इस तरह के नाम लिखे रहते हैं, बहुत डिज़ाइन में नाम लिखे रहते हैं। तो इसे आप चाहें तो यहाँ से सिंपली आप कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने कॉपी कर लिया, और कॉपी करके इसे वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। स्टार मेकर पे प्रोफाइल नेम लिखते हैं तो वहाँ पर बहुत डिज़ाइन में नेम लिखते हैं, और लोग सोचते हैं कि कहाँ से इन्होंने नाम लिखा, तो वहाँ पर भी इससे डिज़ाइन कर सकते हैं, यानी अपने नेम को डिज़ाइन दे सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं कोई एक करेक्टर चूज़ कर लेता हूँ फ़िलहाल। तो यहाँ से मैंने ये ले लेता हूँ, ठीक है। अभी क्या करना है, थोड़ा सा इसे हमें उठाना है, यहाँ पे थोड़ा छोटा करना है, नहीं तो एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे दूसरे नंबर, तीसरे नंबर पे साइज़ में जा करके इसे हम घटा बढ़ा सकते हैं, यहाँ से भी हम घटा बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने घटा बढ़ा लिया। अब ये एक अच्छा सा नेम हमारा आ गया है, हम इसे यहाँ से खींच करके बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें ज़्यादा नहीं बड़ा करना है। अब हमें क्या करना है, चौथे नंबर पे यहाँ पे हो गया स्टाइल, हो गया टेक्स्ट का, और पांचवें नंबर पे ट्रांसपेरेंसी दिया हुआ है। ट्रांसपेरेंसी आप देख सकते हैं ये धीरे धीरे हल्का हो गया, डिम हो गया,
और इस तरह से हम इसे फुल कर देते हैं। रोटेट आप जानते ही हैं कि उल्टा सीधा कर देता है ये घुमा करके, ठीक है। तो रोटेशन हमें नहीं देना है, बस वो सही है। और यहाँ पे छठे नंबर पे आपको आता है। तो इस तरह से मित्रों यहाँ पे हम बहुत तरह से डिज़ाइन कर लेते हैं। तो आप समझ सकते हैं वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे इसे डिज़ाइन कर लेता हूँ, और नहीं तो मैं शॉर्टकट में आपको एक लोगो थोड़ा डिज़ाइन करके लास्ट में दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक दूसरा लोगो तैयार कर लिया है मित्रों, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ से आप इसे बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं इसका, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर बैकग्राउंड इसका इस तरह से रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको सिंपली सेव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्लिक करना है, आप देखेंगे डाउनलोड लिखा हुआ है, तो आप इस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको जो क्वालिटी चाहिए वो क्वालिटी आपको ऊपर लिखा हुआ है, तो उस तरह से क्वालिटी आप दे करके और आप सिंपली यहाँ पे डाउनलोड जहाँ लिखा हुआ है यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बाहर आता हूँ, ठीक है, और गैलरी में चल करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, डाउनलोड करने के लिए मित्रों मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डालूँगा, ठीक है। तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर लेना, ओके। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ यार मित्रों लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।